हमारी अर्थ ऑलमोस्ट 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से पश्चिम से पूरब की ओर अपने एक्सिस पर घूम रही है। बट क्या होगा अगर एक दिन हमारा प्लैनेट अर्थ सडनली पूरब से पश्चिम की ओर यानी उल्टा घूमने लगे? तो आज हम जानेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो अर्थ और उस पर रहने वाली लाइफ का क्या होगा। इस कंडीशन को समझने के लिए हम दो केसेस को एज्यूम करते हैं। सपोज आप पहला मान लीजिए कि आप कल्पना कर लीजिए कि जो ऐसा चेंजेस है वो सडनली हुआ। मान ले कि हमारी अर्थ हर दिन की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी और फिर अचानक से यह उल्टा घूमने लगी, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर। डायरेक्शन में सडनली चेंज आने से ऑन द स्पॉट हमारे अर्थ की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 2000 माइल्स पर आवर से चेंज हो जाएगी, जिससे हमारे अर्थ पर प्रेजेंट सारी बिल्डिंग्स एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पूरा का पूरा लाइफ सिस्टम ही बिखर जाएगा। डायरेक्शन में सडनली चेंज आने से हमारे प्लैनेट का सारा पानी जमीन पर आ जाएगा, जो बदले में टाइफून प्रोड्यूस करेगी और वो टाइफून रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल देगा। और उस टाइफून की लहरों के बाद आने वाली वो तूफानी हवाएं सब कुछ मिटा देंगी। शॉर्टकट में कहे तो अर्थ पर प्रलय आ जाएगा। बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा प्लैनेट स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से हमारा अर्थ बना तब से ही ये पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा था। तो इस सिचुएशन में आप सन और मून को राइज होते हुए पश्चिम में और सेट होते हुए पूरब में देखेंगे। सभी महाद्वीप, समंदर और अर्थ पर कंडीशंस पूरी तरीके से अलग होंगी और दुनिया के कुछ रीजन आपके कंपैरिजन में अधिक ठंडे या फिर गर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी यूरोप हर साल गंभीर ठंड से त्रस्त रहता और इसके जस्ट अपोजिट रूस काफी गर्म होता और सबसे ठंडे कंट्री में से एक होने का खिताब खो देता। दुनिया में कहीं भी अभी की तुलना में ज्यादा हरियाली होती या इसके जस्ट अपोजिट रेगिस्तान होता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अमेरिका एक सूखे धूल के कटोरे से ज्यादा कुछ नहीं होता, वहीं साउथ अमेरिका में अमेजन वर्षावन वाले जो रेत हैं वो रेत के टीले में बदल चुके होते। वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व से मध्य अफ्रीका तक की रीजन्स हरे भरे और घने जंगलों जैसे होते। और तो और, हमारा महासागर पाइथोप्लैंकटन बैक्टीरिया से भरा होता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा महासागर अभी पाइथोप्लैंकटन बैक्टीरिया से भरा हुआ है, लेकिन उल्टी घूमती हुई अर्थ पर साइनोबैक्टीरिया हावी होते। ये अरबों साल पुराने बैक्टीरिया अर्थ प्लैनेट के पहले निवासियों में से एक थे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह थी कि वे यूज अमाउंट में ऑक्सीजन पंप करते थे, इसलिए इतना ज्यादा ऑक्सीजन होता कि लोग सांस लेने में असमर्थ हो जाते और उनके लिए अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाता। मतलब अर्थ उल्टी घूमे या फिर सीधी, सिचुएशंस हमेशा हम पे ही हावी होते। कंडीशन में नुकसान सिर्फ इंसानों का ही होता है। यह हमारे प्लैनेट इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर इसमें जरा सी भी ऊंच नीच होती है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, आगे क्या होगा ये भी तो बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।